हेलो, दिस इज डॉक्टर के एस औलख। आज हम जिस टॉपिक पे डिस्कस करने जा रहे हैं वो है ग्लूकोमीटर। ग्लूकोमीटर का सही इस्तेमाल कैसे करें, हाउ टू गेट बेस्ट ऑफ इट। अगर आप अपनी डायबिटीज़ को कंट्रोल करना चाहते हो, मैनेज करना चाहते हो और इवन रिवर्स करना चाहते हो, तो आप उस ग्लूकोमीटर से ये कैसे फ़ायदा उठा सकते हो, कैसे ये आपके लिए बेस्ट टूल साबित हो सकता है। अब जब मेरे पास पेशेंट्स आते हैं तो हम उससे पूछते हैं, आप चेक करते हो अपनी शुगर? मोस्ट ऑफ द पीपल दे से यस सर, करते हैं। कई लोग महीने में एक दो बार करते हैं और कई लोग ये हफ्ते में एक दो बार करते हैं। अब उनसे आगे पूछा जाता है, तो कब कब चेक करते हो? तो मोस्टली जो टाइमिंग होता है उनका होता है, यस सर फास्टिंग चेक कर लेते हैं और हम रेंडम भी चेक कर लेते हैं। कभी कभी दिन में खाने के 3-4 घंटे बाद भी चेक कर लेते हैं और कभी फास्टिंग भी चेक करते हैं। तो ठीक है, ये बात अच्छी बात है। फास्टिंग बहुत हमें हिंट देती है कहाँ पे और क्यों शुगर बढ़ रही है, और रैंडम भी चेक करना ठीक है वंस इन ए वाइल, कोई बुरी बात नहीं है। बट ये क्वेश्चन मेरा ये, क्या ये काफ़ी है किसी डायबिटीज़ को मैनेज करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए और रिवर्स करने के लिए? आई डोंट थिंक सो। सो आइए जानते हैं। सो अब अगर कोई पेशेंट अपनी फास्टिंग चेक कर रहा है या रैंडम चेक कर रहा है, तो वो देख रहा है कि 120-140 के आसपास होती है रैंडम भी और फास्टिंग भी, और आप उससे पूछते हो कैसे शुगर रह रही है, तो ही और शी विल से कि सर ठीक रहती है मेरी। बट जब वो अपना HbA1c कराता है तो वो उसके साथ मैच नहीं कर रहा होता। HbA1c की रीडिंग हाई होती है, वो उसकी जो रीडिंग्स उसने ली होती है तो वो मैच नहीं कर रही होती। व्हाई? बिकॉज आप जब फास्टिंग चेक करते हो या रैंडम चेक करते हो खाने के 3-4 घंटे बाद, तो ये प्रॉबेबली आपकी दिन की सबसे लोएस्ट रीडिंग्स हैं। अब आप जब खाना खाओगे तो इसके बाद आपकी शुगर हाई होगी और वो आपकी दिन की हाईएस्ट रीडिंग होगी। सो आप अपनी हाईएस्ट रीडिंग को इग्नोर कर रहे हो और लोएस्ट रीडिंग को आप देख रहे हो। तो आप बोलोगे सर मेरी तो शुगर सही रहती है पर HbA1c ज़्यादा आ रहा है। सो अब ग्लूकोमीटर का हम सही इस्तेमाल कैसे करना है जब आपको प्री डायबिटीज़ या डायबिटीज़ है? तो हम इसमें ये 3 सिनेरियोज देख रहे हैं। ये मैं जो पहला डिस्कस कर रहा हूँ, एक नॉर्मल बंदा है, यंग अडल्ट मेल और फीमेल, ही इज क्वाइट इंसुलिन सेंसिटिव और उसकी इंसुलिन भी ठीक बन रही है। वो अब अगर अपना मील ले रहा है तो सपोज उसकी रीडिंग 100 पॉइंट है, तो अगर वो 1 घंटे बाद चेक करता है और सपोज ये अराउंड 120-130 आती है, और आफ्टर टू और थ्री आवर्स ये वापस 100-110 पे आ जाती है। सो एक ये नॉर्मल केस है जहाँ पे उसकी पेनक्रियास इंसुलिन सही बना रहा है और इंसुलिन काम भी सही कर रही है, और यहाँ पे हम कोई पीक भी बहुत बड़ी नहीं देख रहे। बट वंस यू आर प्री डायबिटिक और डायबिटिक, तो ये सिचुएशन चेंज हो जाती है। अब आप उसी ग्लूकोमीटर से चेक कर रहे हो कि भाई खाना खा लिया, खाने से पहले सपोज 100 है, और खाने के बाद 1 घंटे बाद कहाँ पे जा रही है? अगर 1 घंटे के बाद ये 160-170 टच कर रही है, चाहे वो 2 घंटे के बाद अपने नॉर्मल लेवल पे आ जाए, तो यहाँ पे भी आपने ग्लूकोमीटर ने आपको बता दिया भाई जो आपने खाना खाया है उस खाने की वजह से आपकी पीक बन चुकी है। चाहे आप उसके 3-4 घंटे बाद चेक करो 100-120-130 आ रही है, बट वो जो 1-2 घंटे थे जहाँ पे वो 150-160 या 170 तक भी गई है, वो पार्ट आप जब चेक करते हो तो वो मिस कर रहे हो। अगर आप सीवियरली डायबिटिक हो और A1C आपका हाई आ रहा है, तो आप हो सकता है 1-2 घंटे बाद ये आपकी पीक 250-300 तक भी जा रही है। हो सकता है 4-5 घंटे बाद ये 150-200 तक आ जाए, आप खुश हो जाओ भाई मेरी तो 160-170 आ गई सही है। बट वो जो 4 घंटे आपने बिताए हैं 200-250 शुगर से, वो कैसे पकड़ोगे? अगर तो आप फास्टिंग चेक कर रहे हो, अगर आप रैंडम चेक कर रहे हो और आप पीक नहीं देख रहे हो, तो ये आप नहीं पकड़ पाओगे। और आप अपना HbA1c देख के हैरान हो जाओगे, भाई ये तो मेरा ज़्यादा आ गया, बट जब मैं चेक करता था तब तो नॉर्मल थी 120-140 थी, तो ये कैसे ज़्यादा आ गया? सो ग्लूकोमीटर का हमने सही यूज़ कैसे कर रहा है, ये टॉपिक है मेरा। सो ग्लूकोमीटर का सही यूज़ ऐसे है कि आप उसको अलाउ करो कि वो आपको बताए भाई आपके खाने से कितनी शुगर निकल के आपके ब्लड में जा रही है। जो लोग ग्लूकोमीटर को परमिट करते हैं कि भाई ग्लूकोमीटर बताए कि भाई ये खाने से कितनी शुगर निकल के आई है और मेरी पीक कितनी बनी है और कौन से खाने मेरी कितनी शुगर बढ़ा रहे हैं, वो लोग दे लिव लॉन्गर, दे हैव लेस कॉम्प्लिकेशंस, इंस्टेड जो लोग अपनी फास्टिंग और रैंडम चेक करके सेटिस्फाइड हो जाते हैं। सो अभी हमारा मेन ग्लूकोमीटर से क्या पूछना है, हमने ये पूछना है
कि भाई अब तू बताएगा कि मेरे खाने से पहले रीडिंग क्या है और खाने के एक घंटे बाद रीडिंग क्या है या दो घंटे बाद रीडिंग क्या है। अगर मेरी पीक 170 180 बन रही है तो वो कितने टाइम बाद वो वापस 100 में जाती है। ये दो चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। सो एक हमें जानना बड़ा इंपॉर्टेंट है कि भाई मेरी पीक क्या बनी, ये बताएगी कि आपकी इंसुलिन रिलीज कैसे हो रही है। और दूसरी, अगर वो पीक बन रही है तो वो वापस नॉर्मल 100 के आसपास कब कितनी देर में पहुंच रही है, और ये पार्ट आपको बताएगा कि आप कितने इंसुलिन रेजिस्टेंट हो। सो मैं जब देखता हूँ प्री डायबिटिक या डायबिटिक लोगों को इन अर्ली स्टेजेस, सो वो स्टार्टिंग में उनकी पोस्ट प्रेंडियल शुगर ही इंक्रीज होती है, आगे जाके फास्टिंग इंक्रीज होनी शुरू होती है। और अगर मैं इस डायबिटीज़ को रिवर्स करने चाहता हूँ तो मुझे पहले पोस्ट प्रेंडियल ही कंट्रोल करनी होगी। फास्टिंग अभी आपके हाथ में नहीं होगी, फास्टिंग इज़ व्हाट लिवर इज़ प्रोड्यूसिंग। या आप इंसुलिन रेजिस्टेंट हो या आप इंसुलिन डेफिशिएंट हो, दोनों केसेस में फास्टिंग बढ़ने लगती है। बट उससे पहले आपको पोस्ट प्रेंडियल कंट्रोल करनी यूज़ होगी। पोस्ट प्रेंडियल कंट्रोल करने के लिए सबसे अच्छा टूल आपके पास ग्लूकोमीटर है। ये आपको बताएगा आपके खाने कौन सी शुगर कितनी बढ़ा रहे हैं। ये आपको बताएगा कि आपकी अगर शुगर इतनी बढ़ गई है, इतनी पीक बढ़ गई है, तो वो वापस आने में, नॉर्मल होने में कितना टाइम ले रही है। और ये दोनों चीज़ें हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकंड, ग्लूकोमीटर आपको बताएगा भाई ये खाने आपके लिए शुगर के लिए अच्छे थे और ये बुरे थे। अब बुरे थे का मतलब क्या है? बुरे का मतलब ये है कि इस खाना, सपोज आपकी रीडिंग पहले 100 है और एक घंटे के बाद 300 आ रही है, दैट इज नॉट गुड फॉर योर डायबिटीज। और अगर यही खाना पहले 100 है और उसके बाद 120 130 आ रही है, तो दैट इज गुड फॉर डायबिटीज। सो ये आपको कौन गाइड कर रहा है? ये आपको गाइड कर रहा है आपका ग्लूकोमीटर। सो इंस्टेड ऑफ आस्किंग कि मैं क्या ना खाऊं टू अदर पीपल, वो कोई भी लोग हो सकते हैं, ये क्वेश्चन आप अपने ग्लूकोमीटर से पूछो कि भाई मुझे क्या खाना चाहिए। उसको तो कोई लालच नहीं है कि भाई मैंने गलत बताना है सही बताना है, वो तो आपकी रीडिंग देखेगा, जो आएगा वो आपको बता देगा। तो अगर बढ़ रही है तो वो बताएगा भाई इस खाने ने शुगर बढ़ा दी है। अगर नहीं बढ़ाई तो वो ये भी बता देगा ये खाना आपके लिए बहुत अच्छा है, इसने शुगर नहीं बढ़ाई। सो मैं अगर बताना चाहूँ डायबिटीज़ लोगों को कि ग्लूकोमीटर का बेस्ट यूज़ क्या है, तो मेरे हिसाब से बेस्ट यूज़ है कि आप उससे परमिशन लो कि मुझे कौन से खाने खाने चाहिए। अगर वो अलाउ कर रहा है आपको कि भाई ये खाने अच्छे हैं, पहले आपकी रीडिंग ये थी, एक घंटे बाद रीडिंग आपकी ये आई है, इससे ज़्यादा शुगर नहीं बढ़ी, तो इससे बढ़िया तरीका जानने का कोई नहीं हो सकता। इंस्टेड आप अपने डॉक्टर को रोज़ कॉल करो, सर मैं ये खा लूँ, सर ये मैं खा लूँ, आप अपने ग्लूकोमीटर से पूछो। और उससे कैसे पूछोगे? एक रीडिंग ले लो खाने से पहले, उसके खाने के एक घंटे बाद फिर रीडिंग ले लो। अगर उन दोनों रीडिंग्स में कोई ज़्यादा फर्क नहीं है, देन यू कैन हैव दैट फूड, देन यू कैन एन्जॉय दैट फूड। सो आपकी वो डायबिटीज़ को आगे नहीं बढ़ाएगा अगर रीडिंग्स में कोई खास फर्क नहीं है, आपकी शुगर रीडिंग में फ़र्क नहीं होगा। बट इसके ऑपोजिट अगर कोई आप ऐसा खाना खा रहे हो जहाँ पे रीडिंग पहले 100 है और उसके बाद 300 400 पहुँच रही है, तो आपका ग्लूकोमीटर आपको चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है भाई ये खाना मत खाओ, इसमें बहुत सारी शुगर निकल रही है। सो इसको मैं अगर एक सेंटेंस में बोलूँ, जो लोग अपने ग्लूकोमीटर से परमिशन लेते हैं खाना चाहिए ये खाना नहीं खाना चाहिए, वो लोग दे लिव लॉन्गर, दे हैव लेस कॉम्प्लिकेशंस, और वो लोग अपने डायबिटीज़ को रिवर्स भी कर सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि फास्टिंग में चेक करना है, इसकी कोई इम्पोर्टेंस नहीं है, फास्टिंग की बहुत इंपॉर्टेंस है। एंड सेकेंडली, बिफोर गोइंग इन टू बेड आप वो भी अपनी शुगर चेक कर सकते हो। आप देखो कंपैरिजन करके कि अगर मैं सोने जा रहा हूँ तो किस शुगर लेवल पे के साथ सोने जा रहा हूँ, अगर मैं उठता हूँ सुबह जागता हूँ तो कौन सी मेरी रीडिंग्स हैं। मोस्टली हम ये सेम होती हैं एक नॉर्मल पर्सन पे, बट इफ़ यू आर इंसुलिन रेजिस्टेंट और आपकी इंसुलिन डेफिशिएंसी है, इंसुलिन की कमी है, तो इन दोनों में फ़र्क काफ़ी बढ़ जाता है। और उसके बाद एक रीडिंग और इम्पॉर्टेंट है ग्लूकोमीटर की, वो है सुबह 3 बजे की। इससे हम बहुत कुछ एनालाइज कर सकते हैं। सपोज़ एक नंबर के आप 3 बजे आप रीडिंग चेक करते हो, वो कम आ जाती है, सो हाइपोग्लाइसीमिया जो हम जिसको हम बोलते हैं बहुत कम आ जाती है। सो हाइपोग्लाइसीमिया के होने से क्या होता है कि हमारे कुछ काउंटर रेगुलेटरी हार्मोन्स हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं, वो लिवर ढेर सारी शुगर रिलीज करता है ग्लूकोज, तो उसके इफ़ेक्ट से हम सुबह देखते हैं तो हाइपरग्लाइसीमिया हुआ होता है।
सो एक फैक्टर तो ये है कि सुबह हाइपरग्लाइसीमिया फास्टिंग बढ़ने का, कि आपकी शुगर 3 बजे कम हो रही है. प्रॉबेबली अगर आप इंसुलिन पे हो तो हो सकता है आपने इंसुलिन की डोज ज़्यादा ले रही है ले रखी है, तो उस वजह से रात को 3 बजे के आसपास और सुबह आपकी शुगर एकदम ड्रॉप कर गई, और वो ड्यू टू हार्मोन्स बढ़ने से, काउंटर रेगुलेटरी हार्मोन्स बढ़ने से लाइक ग्लूकागॉन, तो आप अब सुबह देखते हो कि आपका रीडिंग्स हाई आ रहा होता है. एक फैक्टर तो ये है 3 बजे की रीडिंग का कम होना. दूसरा हम देखते हैं कि अगर 3 बजे रीडिंग सेम रह रही है जो आप जिस रीडिंग के साथ रात को सोए थे, बट आप सुबह 7-8 बजे देखते हो आपकी रीडिंग ज़्यादा होती है, इसको हम डॉन फिनोमेना बोलते हैं. कुछ हॉर्मोन्स हमें सुबह के लिए प्रिपेयर करते हैं कि भाई हमने कहीं काम पे जाना है, कुछ वर्कआउट करना है, तभी खाना मिलेगा. जैसे सपोज लोग अभी तो फूड 24/7 अवेलेबल है, बट जंगल में जब होते थे तो हमको भागना पड़ता था शिकार के लिए. सो बॉडी एक हमें प्रिपेयर करती है कि भाई सुबह आपको मेहनत करनी है, और उस एनर्जी के लिए मैं आपको ये ग्लूकोज प्रोवाइड कर रही हूँ. सो कुछ हॉर्मोन्स के लेवल सुबह सुबह उठते हैं हमारे अप होते हैं, तो वो लिवर से ग्लूकोज रिलीज करते हैं. ये फिनोमेना हर पर्सन में होता है, एवरी नॉर्मल पर्सन. पर होता क्या है कि जब इफ़ यू आर नॉट डायबिटिक और प्री डायबिटिक, तो साइड में आपकी थोड़ी थोड़ी इंसुलिन रिलीज होती रहती है, ग्लूकोज भी रिलीज होता है, इधर से इंसुलिन भी रिलीज होती है, तो आप उसको एफिशिएंटली यूज़ कर पाते हो, तो आपकी फास्टिंग हम देखते हैं इतनी ज़्यादा नहीं बढ़ती नॉर्मल पर्सन में, नॉर्मल रहती है. सो बिकॉज ऑफ ग्लूकोज रिलीज एंड इंसुलिन रिलीज ये कोऑर्डिनेशन बनती है, और इंसुलिन बहुत इफेक्टिवली काम कर रही होती है नॉर्मल पर्सन में, तो हम इसको हाई कभी नहीं देखते हैं. नॉर्मल जो रीडिंग आनी चाहती है वही आती है. बट इफ़ यू आर इंसुलिन रेजिस्टेंट और इफ़ यू आर इंसुलिन डेफिशियंट, तो ये फैक्टर थोड़ा सा मुश्किल में पड़ जाता है. तो अब आपकी ग्लूकोज बहुत रिलीज हो रही है, बट आपकी एज इंसुलिन इफेक्टिव नहीं है या इंसुलिन कम है, तो आपके शुगर लेवल फास्टिंग लेवल बढ़ने शुरू हो जाते हैं. सो ये दूसरा फैक्टर था. पहला जो मैंने बताया कि 3 बजे शुगर कम होनी शुरू हो जाती है ड्यू टू वट एवर रीज़न, आपने रात को इंसुलिन ज़्यादा ले ली, सो सुबह उसकी वजह से हमारे काउंटर रेगुलेटरी हार्मोन्स अप हो जाते हैं और वो शुगर ज़्यादा रिलीज करते हैं, हम सुबह हाइपरग्लाइसीमिया देखते हैं. सेकेंड में बताया आपका कि अगर आपने डोज सुबह 3 बजे के आसपास अगर आपकी शुगर सेम आती है बट सुबह 7-8 बजे ज़्यादा आ रही है, तो दैट इज़ ड्यू टू द हार्मोन्स, जिसको हम डॉन फिनोमेना बोलते हैं, जो हार्मोन्स लाइक कॉर्टिसोल लिवर से ज़्यादा शुगर रिलीज करते हैं. बट एज यू आर इंसुलिन डेफिशिएंट और इंसुलिन रेजिस्टेंट, तो आपकी शुगर लेवल सुबह बढ़ने लगती है. और एक फैक्टर हो रहा है कि जब आपकी 3 बजे आप रीडिंग देखते हो, वो शुगर की रीडिंग ज़्यादा आती है. रात को आप सोए ठीक थे बट 3 बजे की रीडिंग ज़्यादा है, सो इसका मतलब वो ज़्यादा रीडिंग है, वो सुबह तक भी हाइपरग्लाइसीमिया में रहता है पेशेंट. तो ये इंडिकेट करता है अगर इफ़ यू आर ऑन इंसुलिन, तो आपने इंसुलिन की डोज कम ली है. सो डोज कम लोगे तो वो कवर नहीं कर पाएगी, तो 3 बजे भी हाइपरग्लाइसीमिया होता है, सुबह 7-8 बजे भी हाइपरग्लाइसीमिया. सो ये तीन पॉइंट थे जो हमें नोट करने चाहिए कि हमारी 3 बजे की रीडिंग क्या आती है, ये भी ग्लूकोमीटर बताएगा आपको. बट अल्टीमेटली मेरा टॉपिक आज का ये था कि हमें इसका बेस्ट यूज़ कैसे करना है. ये आपको इन्फॉर्मेशन देगा कि आपके भाई शुगर कितनी रह रही है, आपको अगला स्टेप क्या लेना चाहिए. ये आपको मोटिवेशन देगा. अगर आपने अच्छा खाना खाया, पहले 100 रीडिंग है, 1 घंटे बाद, 1.5 घंटे बाद 120-130 आ रही है, तो आप खुश होते हो, यार ये ग्लूकोमीटर ने बताया ये खाना मेरे लिए बड़ा अच्छा था. एक आपको खुशी होती है, मोटिवेशन मिलती है कि भाई मैं आगे और कंट्रोल करूँगा. और ये डायरेक्शन देता आपको कि भाई ये खाना आपको खाना चाहिए और ये खाना आपको खाना नहीं चाहिए. इस रीडिंग ने ये शुगर बहुत ज़्यादा, इस मील ने ये शुगर बहुत ज़्यादा बढ़ा दी है, सो आपको इसको अवॉइड करना चाहिए. सो अभी हम फाइनल ये डिस्कशन पे पहुँचे हैं. ग्लूकोमीटर का आप यूज़ ऐसे करो, इसको आप पोस्ट प्रेंडियल रीडिंग को कंट्रोल करने के लिए करो, और फास्टिंग आप देखोगे 3-4 महीने बाद अपने आप कंट्रोल होती जाएगी, विद वन कंडीशन कि आप इंसुलिन बन रही हो. इंसुलिन रेजिस्टेंस में कुछ टाइम लगता है फास्टिंग को कंट्रोल होने के लिए. सो आज के बाद अगर जो आपको ग्लूकोमीटर बोलेगा, अगर आपको उसके हिसाब से चलोगे, वो जो परमिट करेगा कि भाई ये खाने हैं, तो मैं अगेन बोल रहा हूँ आपको कॉम्प्लिकेशंस कम होगी, आपकी उम्र लंबी होगी. सो ये था ग्लूकोमीटर का बेस्ट यूज़. थैंक यू.